वेलकम टू प्रिया प्रीति ब्लॉग्स। तो आज है संडे और हम लोग सब घर पर ही हैं, तो आज देखते हैं क्या क्या मस्ती होती है सबके साथ मिलकर। दीदी इतनी एक्साइटेड है, कल से बोल रही दीदी कल तो संडे है, दीदी कल तो संडे, क्योंकि सब लोग रहते हैं फिर घर। कल से अभी तक पता नहीं कितने बार बोल चुकी दीदी कल तो संडे, कल तो दीदी कुछ काम भी नहीं करेंगी, अपन कल बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ सुमी, आज आप बहुत सारी मस्ती करोगी। हाँ ठीक है। और भुआ क्या बना रही है स्पेशल? हमने सुना है कुछ स्पेशल बन रहा है आज। हाँ वो कुछ स्पेशल बना रही हैंगी, पर वो बता नहीं रही है। हाँ, किसी को भी नहीं बताया नहीं। अभी तक। अरे यार फिर हमको कैसे पता चलेगा क्या बना रही है वो? हमको भी तो नहीं पता। वो तब पता चलेगा जब वो बन जाएगा, तब अपन को खाने के लिए मिलेगा, है ना? तो बताएंगी। और दीदी वो बोल, हमने बुआ से बोले बुआ क्या बना रही है, बोल रही थी दाल और रोटी कुछ स्पेशल। दाल रोटी स्पेशल थोड़ी ना होती है, वो तो बहुत बार खाई है अपन ने। हाँ यार वो दाल, वो पता है आपको ना बुद्धू बना रही होंगी। हाँ। हाँ। इसीलिए उनने बोल दिया कि ये स्पेशल है ना। हाँ। हाँ। कुछ स्पेशल के बोल रही थी कुछ स्पेशल बन रहेगा। अच्छा तो चलो देख के आते हैं क्या हाँ, स्पेशल बना रही है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी आप बता रही है क्या बना रही है। पूरी। ये तो कचौरी जैसी लग रही है मम्मी, ये दाल की सब्जी है मम्मी। चने की दाल, ऐसा लग रहा है आलू हूँ। चने की दाल है। ये क्या बना रही बुआ? अभी खा लेना जी, देखो क्या बना रहा है आज हम, कैसी लगती है, टेस्टी टेस्टी की नहीं। प्रीत तुम जब तक नहाओगी नहीं ना मम्मी तुम्हें देने वाली नहीं है आज। हाँ, मैं जब तक नहाऊंगी नहीं, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रही, जल्दी जाती हूँ नहा के आती हूँ। जल्दी अच्छी अच्छी डिश मम्मी बना रही, मुझे खाना है। सौम्या पूरी मत फिनिश करना ठीक है, अभी हम आते हैं बस 5 मिनट में। ओके। मम्मी ने तो इनको बेल लिया अब। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही मम्मी है ना दाल के पराठे बना रही हैं। आपको क्या लगता है सौम्या? हमको लगता है वो समोसा बना रही है। समोसा? अरे हमको कचौड़ी जैसी लग रही है। और गुड़िया तुमको क्या लग रहा है? हमको हमको तो बस ऐसा लग रहा है जल्दी से खाने को मिल जाए। कुछ भी बना रही है बस खा ले। फ्रेंड्स मैं तो खा लेती हूँ क्योंकि प्रीति को आने में देर लगेगी, जब तक सारी पूड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी। ये रही मेरी थाली और यहाँ पर हमारी गुड़िया भी खाने लगी है, सौम्या भी खा रही है। और चाहिए जल्दी दे दो। और बस ये ध्रुव नहीं खा रहा है अकेला बैठ के, कह रहा है ये सारे ठंडी हो जाएंगे इसके बाद खाएगा। गरम में नहीं खाता। मैं आ गई। अच्छा करा, आ जाओ थाली पड़सी रखिए खा लो। नहीं आपको तो कुछ सबकी थालियाँ खाली दिख रही मुझे तो। अब मैं क्या खाऊंगी? ये कोई जागे सो पाए और हम सो थोड़े ना रही थी, मैं तो मैं सो थोड़े ना रही थी। अब कुछ तो कर रही थी ना। सौम्या आप अपनी दे दो एक, आपके पास भी तो नहीं है। खाली 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 इनके लिए बन रोटी रखी बचा के राखी। नहीं नहीं इनने खाली और बची है तुम्हारे लिए सिर्फ थाली। वो भी खाली, वो भी खाली। हाँ आ जाओ हमारे पास रखी है, देखो देखो मैंने एक बचा के रखी है तुम्हारे लिए। चलो ठीक है तो मुझे भी दे दो फिर, मैं भी खा ले। एक मांगी थी दो दे दी। ऐसा ही होता है जहाँ पे एक मांगो तो दो मिलते हैं, दो मांगो तो चार मिलती हैं। क्यों प्रीति खा के आनंद आया या नहीं आया? मस्त लग रही है एकदम, आनंद ही आनंद और परमानंद। और पता है पापा तो क्या बोल रहे थे, आलू पराठे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ये वाले। आलू उसके पराठे से, आलू के पराठे मतलब मैं मान लीजिए 100 है ना तो ये 99.99 हो सकती है पर 100 नहीं हो सकती। तुम्हें नहीं आई तुम्हें? हाँ, मतलब पसंद नहीं आई? अच्छी लग रही है लेकिन मुझे तुम्हारे आलू के पराठे फेवरेट है इसलिए, है ना? हाँ पर पापा को तो ये आलू के पराठे से भी ज्यादा अच्छी लगी। नहीं मुझे आलू के पराठे ज्यादा अच्छे। और गुड़ी तुम्हें कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी। नहीं अच्छी तो हमें भी लग रही है, लग तो हमें भी बहुत अच्छी। देखो देखो उसको, देखो उसको वहां से देखो। कंपेयर नहीं किया जा सकता ना, आलू के पराठे एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, दोनों अलग 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 डिश है ना। अब हम लोग तो खा पी के फ्री हो गए हैं तो दीदी ने कहा मम्मी भी खा लेती है, इसलिए अब दीदी आ गई है लाइन में यहाँ पर बनाने के लिए। सौम्या आप बनाना सीख रही हो यहाँ पर खड़े होकर? सीख लो जल्दी से फिर नेक्स्ट टाइम से आप ही बनाना। और यहाँ पर हमारी गुड़िया मई भा रही है। गुड़िया कहाँ गई? मई भा गया तुम्हारा क्या? नीचे फैला रही। देखिए फ्रेंड्स ये क्या चल रहा है, भाई ये क्या है? चल रहा है दर्पण बुटीक का वीडियो। स्क्रीन टेस्ट कर रहा है किस में कैसे कर रहा है। अच्छा किस फोन में? अपने घर का सबसे पावरफुल फोन कौन सा है? हमारी मोबाइल की दुकान लग चुकी है। सारे मोबाइल
नो सौम्या, हमारा पूरा घर आया है इस मोबाइल की दुकान को देखने के लिए। बहुत सारी एलईडी बिक रही है तो हम पसंद करने के लिए आए कि कौन सी खरीद लेनी चाहिए, कौन सी एलईडी सबसे अच्छी है। अगला अपन खरीदना है एक। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी एलईडी लगा के रखी है यहाँ पे। ये देखिए, ये चल रही है हमारी मोबाइल की दुकान। और जिसमें चल रहा है क्या क्या चल रहा है? दर्पण बुटीक का वीडियो और दर्पण बुटीक का सामान। दर्पण बुटीक का सामान। हम लोग चेहरे सिलाई करना सीख रहे हैं, मैं आती नहीं है तो हमने कहा कि दर्पण बुटीक की वीडियो एक मोबाइल में देखेंगे तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन अगर इतने सारे मोबाइल में एक साथ चला लेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। यस क्यों मम्मी, आपका भी कुछ ऐसे ही कहना है? 10 मिनट में कटिंग सिलाई और सब सीख जाएंगे बिल्कुल। देखो क्या देखे? मोबाइल है, टीवी है, मोबाइल, बड़ी बड़ी टीवी। कौन सी खरीद लाए अपन? मोबाइल। वो अपनी वाली बता रही मम्मी ताकि वो उसको वो। ये वाली अच्छा। हाँ ये क्योंकि ये किसका है? हाँ और फूफा जी। फूफा जी कौन सी खरीद ले? फूफा जी वाली और दीदी जी वाली। दीदी जी वाली हाँ, और ये वाली दीदी एक दीदी खाएंगे वाला मोबाइल। हाँ? और भैया का मोबाइल। हाँ? और ये आपका मोबाइल। ओके। और ये वाला मोबाइल वो भैया का। हाँ? और ये मोबाइल सबसे लास्ट वाला किसका का? हाँ? क्योंकि इसको सौम्या चलाती है। आप ही चलाती हो? हाँ। फिर कौन सा दिला दें आपको? वो ही वाला। यही वाला दिला दें? ठीक है, तो पैसे ले आओ फिर फूफा जी से। फूफा जी से क्या है, इसमें जोड़ के हाँ, रखे होंगे। जोड़ के रखे ना आपने क्या? पता वो गुल्लक ही रह गई। गुल्लक में रखे हीरा है? गुल्लक रह गई। गुल्लक ही रह गई। सौम्या गुल्लक, अब थोड़े दिन बाद सौम्या हिराने वाली है। क्यों सौम्या? नहीं सौम्या हिराने वाली है, हीरा होगी। हाँ हम तुम्हें पिताजी पापा को कहाँ से देंगे? हीरा जाओगी तो ये वाली दीदी को दे देना। ये वाली दीदी को कह देंगे, वो हमारी ये दीदी वो इतनी बड़ी है, तुम तो इतनी सी होगी तो हम छोटे हो जाएंगे। आप तो छोटी ही हो पहले से। नहीं हम बड़े हो जाएंगे जी, छोटी हो जाएंगे। फिर वो काम करती है, आप काम करोगी इतना सारा? नहीं कर रहे। फिर बुटीक जाओगी आप? हाँ जाएंगे। कपड़े सिलाई करोगी? करेंगे। आता है आपको? हाँ। कितना आता है? बहुत आता है। चलो तो ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे घर की मोबाइल की दुकान। अगर आपको भी कोई सा फोन खरीदना है तो बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ संपर्क करें। ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपके लिए भेज देंगे। चलो खत्म खेल, चलो अपने अपना काम करो। चले अपन, चलो चलो अपना अपना मोबाइल उठा लो। अरे तो लड़की को क्यों परेशान करते हो तुम? मोबाइल उठा लिए। देखो फ्रेंड्स, तो खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं छत पर और मोबाइल की दुकान होगी खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स तो ये देखिए हमारे यहाँ कितने कपड़े डले हुए हैं। डले हुए नहीं है, हमने डाले हैं इनको अभी अभी, जैसे ही धूप को देखा हमने कहा वाह धूप निकली है। हाँ दिख रही है मुझे तो, कहीं नहीं दिख रही। ओ अभी दर्शन हुए थे धूप के, अभी तुमने देर कर दी आने में। अच्छा। वो क्या है ना, आजकल धूप के जो दर्शन है ना वो किसी किसी को और कभी कभी होते हैं, तो जल्दी से करना पड़ते हैं, तो तुमने ना थोड़ी सी देर कर दी आने में, इसीलिए। चलो ठीक है, अब कोई नहीं, हम यहीं बैठ के इंतजार करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दीदी, अभी मैं ये बाल्टी ना वापस भी नहीं लेके जा पाऊंगी। हाँ। मैंने ये कपड़े बस डाले ही है। हाँ। और मैं जा भी नहीं पाऊंगी, इससे पहले फिर से बारिश होने लग जाएगी। अब मैं नीचे थोड़ी ना जा रही हूँ, देख रही हूँ जैसे ही बारिश हो तो मैं फिर से ये सारे कपड़े उतार के। हाँ। फिर से हॉल में डाल दें। हाँ। फिर पानी खुल जाएगा, फिर वापस डाल देंगे। आज दिन भर हमारी गुड़िया यही करने वाली है। ओ, नहीं 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 नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आज संडे है तो संडे बूढ़े के पास कोई काम नहीं है। कैसे नहीं है मेरे पास, कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। पढ़ाई भी करती है तुम? चलो ठीक है कर लेना। मैंने कुछ भी। हाँ सौमी क्या हाल चाल है? फिर पूरे में सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं और कुछ नहीं है। ठंडी हवाएं भी तो हैं। चलो हमारे घर के लिए भी सोच लिया करो यार, हमारे घर के लिए क्या नया करें, नया बुटीक में क्या नया करें, सब लोगों को क्या नया दिखाएं कि मोबाइल में क्या नया देखें। एक काम करते हैं, गुड़िया के लिए अपन एक नया घर दिलवा देते हैं, बताए वो भी कैसा तो बस भैया, अभी तो हमारा घर नहीं सुनो तो, और नया घर कैसा रहेगा?
बता नया घर कैसा रहेगा, वो एक बता कोई सी ऐसी जगह देख लेंगे, ऐसे रोड रहते हैं ना, रोड के आसपास कहीं जगह पड़ी ही रहती है बहुत सारी खाली, वहीं पे लेंगे और गुड़िया के लिए ऐसे पन्नी वन्नी डाल के एक झोपड़ी बना देंगे और वो ही हो जाए गुड़िया के लिए नया घर। अच्छा इतना अच्छा छत वाला घर, ये घर बुरा लग रहा है, इतना अच्छा तुमने कहा ना तुम्हारे कुछ नया चाहिए, मैंने ये कहा नया चाहिए, हमारे घर टपरा चाहिए नहीं, अभी गुड़िया ने कहा ना उसके घर के लिए भी कुछ नया सोच लिया करो, तो मैंने उसके लिए घर ही नया सोच दिया। नहीं ये बोला है कि ये जो अपना घर है ना इसके लिए भी कुछ नया सोच लिया करो। अब वो यार ये नहीं कहा था कि नया घर चाहिए, ऐसा बार बार बदलोगे तो मैं नहीं खेलने वाला फ्रेंड्स। इन लोगों की पागलबंदी तो चलती रही, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। अब सौम्या आप क्या कर रही हो यहाँ पर बैठ के? आलू के पराठे बना रही है और गोभी की सब्जी बना रही। अच्छा आप तो रोज गोभी की सब्जी बनाती हो? और रोज गोभी की सब्जी नहीं बनाती। तो क्या बनाती हो? दूसरी दूसरी चीज बनाते हैं, कभी टमाटर बनाते हैं और कभी तो गोभी बनाती है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर ये यह हमारी मम्मी कितना सारा फैलारा लेकर बैठी हैं, क्या कर रही हो मम्मी? कोई भाजी है उसको साफ कर रहा है बनाने के लिए। मम्मी ये देखने में इतनी गंदी सी तो दिख रही है, इसको क्यों बना रही हो? अरे पता नहीं खाने में अच्छी लगी है नहीं लगी। अच्छी लगती है ना वो तो, पैर हाथ में सूजन चढ़ गई थी वो सही हो जाती है इससे। अच्छा दवाई मतलब ये दवाई है सूजन की? दवाई हाँ जी सूजन की दवाई। हाँ हाथ पैरों में सूजन वगैरह आ जाती है तो मकोई की दवा, मकोई की भाजी बनाकर खा लेना चाहिए। अब ये देखो ये कंप्यूटर के सामान ले लेके बैठ गए हैं, कीबोर्ड क्यों लेके बैठे हो? नहीं चलाते कंप्यूटर में लगा के चलाते हैं। हाँ पता है सुनो तो पता है वो इससे किसको ऑपरेट कर रहा है तुझे? ओ तो मुझे में कुछ लगाओ तो भैया कहाँ लगाऊ, मेरी नाक में लगा देती हूँ। हाँ चलो करो, चलो चलाओ दबाओ फिर वो फिर मेरे अंदर मॉनिटर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसमें से आवाज इसमें जैसे जैसे प्रेस करते हैं यहाँ से मुँह से आवाज आती है। चल छैया 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 रुक गया, चलो छैया 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 साउंड बंद, साउंड बंद, चलो ठीक सही काम कर रहा है ना, सही काम कर रहा है, निकाल दो, चलो निकाल दो। कैसे लोग हैं बताओ, जब जरूरत पड़ती है तो लगा के और सुनने बैठ जाते हैं, नहीं तो निकाल लो बस। और कैसा ये, चलो खाना वाना खा लो मम्मी बुला रही हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए बाय बाय।